पश्चिम बंगाल और असम चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। पश्चिम बंगाल और साथ ही असम के लिए प्रत्याशी चयन पर चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। पश्चिम बंगाल और असम के लिए प्रत्याशी चयन पर चर्चा होगी। ये बैठक काफी अहम है। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं, ऐसे में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, काफी अहम बैठक है। देखिए मनीषा, बिल्कुल, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। हालांकि वहां पर टीएमसी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। ऐसे में बड़ी समस्या ये रहेगी कि क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों को मिलकर लड़ना है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और माकपा दोनों मिलकर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार रही है। ऐसे में माकपा के साथ उनका क्या गठबंधन हुआ है ये भी इस बात का इस चुनाव समिति की बैठक के बाद खुलासा हो सकेगा, लेकिन काफी अहम मानी जा रही है। और क्योंकि जैसे जैसे वहां पर टीएमसी बढ़ी है, कांग्रेस का जो है जनाधार कम हुआ है और टीएमसी ने वहां पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, सिर्फ 3 सीटें उन्होंने छोड़ी है दूसरे लोगों के लिए, दूसरी पार्टी के लिए। तो ऐसे में अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस की मजबूरी हो गई है वहां पर अपने उम्मीदवार लगाना, क्योंकि उन्होंने जो है टीएमसी ने कहीं कहीं जो है कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस और माकपा वहां पर मिलकर लड़ने जा रही है चुनाव, और सभी सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन जहां एक और जो दूसरे दल हैं, जनता दल है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, तमाम पार्टियों ने ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन भी दिया है। वैसी स्थिति में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रहती है इस बैठक के बाद पता लग सकेगा। आखिरकार क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ाते हैं या सिलेक्टेड सीटों पर चुनाव लड़ाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ा था, लेकिन टीएमसी में जैसे जैसे जनाधार बढ़ा है कांग्रेस पार्टी का जनाधार घटा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी सहयोगी पार्टी माकपा से मिलकर वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखने वाली बात है कि अब इस बैठक में क्या तय होता है, क्योंकि एक तरफ तो टीएमसी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम तरीके से वहां पर लड़ने जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या रहती है यह मीटिंग के बाद पता लग सकेगा। मनीषा, बिल्कुल नीरज जी, देखिए महिला वोटर्स का सपोर्ट दोबारा पाने के लिए भी यहां रणनीति ममता बनर्जी की ओर से बनाई गई है। 50 महिला कैंडिडेट्स वहां पर उतारी गई हैं। कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को रिझाने के लिए और उनके वोट पाने के लिए यहाँ पर पूरी रणनीति है। देखिए, वहां पर सत्ताधारी दल है, लंबे समय से शासन कर रही है और ममता बनर्जी का बहुत बड़ा वहां पर जनाधार भी हो गया है, क्योंकि जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी का गठन किया है तब से वो एक अलग राह पर चल रही है। और यही कारण है कि टीएमसी मजबूत होने के कारण वहां कांग्रेस कमजोर हुई है। महिला, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री खुद है ममता बनर्जी, तो महिलाओं के मामले में महिला मतदाताओं से उम्मीद तो उनको रहेगी ही और महिला मतदाता उनके समर्थन में भी रहेंगे, और उन्होंने बंगाल की बेटी बनाम आदर्श का चुनाव कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चीज है कि वो कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करती है, क्योंकि जितनी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार खड़े करेगी वो वोटों का बिखराव होगा वहां पर। कहेंगे टीएमसी को नुकसान होने वाला है, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि जितनी ज्यादा अधिकतर ज्यादातर पार्टियां चुनाव वहां पर लड़ेगी उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मनीषा, बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। आज बैठक के बाद कई सारी अहम बातें जो हैं चुनाव को लेकर वो निकलकर सामने आने वाली हैं।